सुनी बीती दस कंधरु दे संसार वाले कहते हैं ये मायापति हैं, जगतपति हैं। कैसे मायापति हैं ये, कैसे जगतपति हैं जो दशानन की तनिक सी माया को ना समझ पाए। ये सारा क्रम इस दशानन की माया का है और आज माया में मायापति भ्रमित हो गया ना। ये साधारण पुरुष है, यदि ये मायापति होता तो हमारी माया को पहचानता। ये साधारण पुरुष है, यदि ये साधारण पुरुष है तब तो ये सीता लंका जाएगी। लेकिन लोग कहते हैं वो मायापति है, याद शक्ति जगदम्बा है, तो ये यदि जगदम्बा है तो हमारा प्रणाम स्वीकार करो। लेकिन आज रावण चोरी करेगा, अवश्य करेगा। संसार वासियों हमें गुरु बनाओ, हमसे शिक्षा ग्रहण करो। यदि चोरी करनी है तो हमें गुरु बनाओ, हमसे शिक्षा ग्रहण करो। और कहीं सी चोरी किसी वस्तु की, धातु की, धन की, पैसे की, रुपए की, ये चोरी नहीं अपने मोक्ष की चोरी। गति भजन न होए हे तामस देह हमारा, तामसी शरीर है ना ना ना। हम वो भीरू नहीं है जो लगे रहे। हमें दोबारा आने की तमन्ना नहीं रहती है। ऐसा करो कि एक ही बार में काम हो जाए। मैं ऐसी चोरी करूंगा कि जिसमें अपना मोक्ष छिपा है, गति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि दो ही मार्ग हैं, पाप करें यदि गति मिले, ध्यान से सुनना लंका वालों, और इस वन प्रखंड में जो भी छिपा हो सुन रहा हो, वैसे सुन वीच दसकंदर देखा यहां कोई है ही नहीं। पाप करें यदि गति मिले तो फिर पाप करूं दिन रैन। यदि पाप करने से गति मिलेगी तो मैं दिन रात पाप करूंगा। और पाप करें यदि हरि मिले तो फिर पाप करे नहीं चैन। यदि वो परमात्मा पाप करने से मिलता है तो ये रावण नित्य प्रत पाप करेगा और उस परमात्मा को अपनी ओर करेगा। क्योंकि दो ही मार्ग हैं, एक तो भजन के द्वारा और एक हनन के द्वारा। आज हमारा बैर होगा इनसे तो हे मैया, ये बाबा कई दिन से भूखा है, यदि कुछ भिक्षा मिल जाए बाबा को, ये बाबा अपने उधर की पूर्ति करके आपके दरवाजे से तृप्त होकर चला जाए। भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं, आलस निरंजन, मैया भिक्षा मिलेगी क्या। हे ऋषिराज, ये जानकी प्रणाम करती है आपको। अवश्य आपने कहा कोई भिक्षा मिलेगी तो हमारी कुटी में अन्नदान तो हाजिर नहीं, लेकिन कुछ रूखे सूखे फल रखे हुए हैं। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक ना किसी ने चखे हैं। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्मग्रस्ती का।
तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। ऋषिराज, एक स्वर्ण मृग आया और मैंने देखा तो अपने स्वामी को बताया, स्वामी को उस मृग के पीछे भेज दिया, कहा कि आप इस मृग को मार करके इसकी चर्म को ले आए तो मैं इस कुटी का श्रृंगार कर लूंगी, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि वो कुशल पूर्वक आश्रम में आ जाए। आशीर्वाद तो माता मिला ही रखा है, वो कुटी में मृग चर्म अवश्य आएगी, बस साधु को तृप्त कर दो आप। अवश्य लाओ मैया, लाओ माता, जय हो मां। अरे ये क्या, ये छोटे तपस्वी के द्वारा ऐसी कौन सी रेखा खींच दी गई? सीता हरण होने से पहले दशानन के प्राणों का हरण हो जाता, यदि हम इस रेखा का उल्लंघन करते तो भस्म हो जाते, लेकिन नहीं नहीं, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी, क्योंकि ये रेखा के बाहर नहीं आ सकती है। हे मैया, यदि आपको भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आए क्यों? हम ऐसे वैसे योगी नहीं है, ना हम ऐसे वैसे गुरु के चेले हैं जो बलि भीख का दान ले लें। यदि आपको भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आए। हे महाराज क्षमा करिए, यह रेखा छूट नहीं सकती, यह आन है देवर लक्ष्मण की, यह मुझसे टूट नहीं सकती। तो सुनो भैया, यदि तुम नहीं तोड़ सकती, यदि तुम नहीं तोड़ सकती निष्ठेवर की आन, तो ये बाबा भी लेगा नहीं, बंदी भी का दान। मैं जा रहा हूँ भैया, मैं जा रहा हूँ। अलोक निरंजन, रुक जाइए ऋषिराज, रुक जाइए। हे विधाता, किस भ्रम संकट में डाल दिया आजानकी को? देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। आज देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का, गृहस्थी का अपमान नहीं करूंगी, मैं आपको भिक्षा लेकर के ही आ रही हूँ। जय हो मैया, आओ आ जाओ माता, लाओ माता, लाओ मां। समझ रही थी तो मैं कोई साधारण योगी भोगी मैं नहीं, मैं लंका का ही, आंख उठा के देख लो, वीर हो जा ताकी नहीं मेरा दिखावा भाई सब। खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं, तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता, सतवंती सीता की आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। कहाँ हो मेरे स्वामी, कहाँ हो, मुझे भी बुला लो पिया, कहाँ हो? नहीं आया हो सीता,
यहाँ कोई नहीं आने वाला जो अपने पति को आदेशित करती है उसका सीते
चला गगन अति आतुर भैरत हाँ की न जाई। गिधिराज सुन आरत बानी लगी कुल तिलक नारी पहचानी। हे दुष्ट रावण, तू हमारी पुत्र वधु सीता को छोड़ दे, वरना तू मेरे प्रहार से मारा जाएगा। सावधान लंकेश मत। अरे ये मेरी धावा, ये मेरी क्षमता कर सकता है मुझे। रावण मोरी सिखा क्यों जनमार विदान दे भैये क्षण मुरझाते ही। पक्षों का राजा जटायु ऐसे नहीं मानेगा। सावधान अब करो सकोग्नि सरखित जाना काट दि परम कराल कृपाना काट पंख परा खग धरनी तुमर राम कर अधिभूति।